नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और खास बात में आपका स्वागत है। आइए आज के लेसन में देखें गिटार कॉर्ड्स स्ट्रमिंग पैटर्न। फिल्म डिस्को डांसर से ये गीत है, याद आ रहा है। इसे ओरिजिनली गाया था बप्पी दा ने, म्यूजिक भी उन्हीं का था और लिरिक्स अनजान जी का था। गाना जो है आपका बी फ्लैट मेजर में है, यानी कि ए शार्प मेजर, और बीट के साथ मैच करने के लिए मैं बार कॉर्ड यूज़ करूँगा। आप चाहें तो पूरे गाने को ओपन कॉर्ड में बजा सकते हैं, केपो को फर्स्ट फ्लैट पर लगाएं और ए मेजर में बजाएं। बजाते वक्त आपको बार कॉर्ड्स और ओपन कॉर्ड्स दोनों दिखाई देंगे स्क्रीन पर। स्ट्रमिंग पैटर्न जो मैंने यूज़ किया है ट्रैक के साथ मैच करने के लिए, थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है और इस पैटर्न को डिटेल में जरूर देखेंगे। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को ना बजा पाएं तो मैं आपको एक सिंपल तरीका भी जरूर दिखाऊंगा। गाने के स्केल और कॉर्ड्स में कुछ खास बातें हैं और उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। हमेशा की तरह गाने के लिरिक्स और कॉर्ड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आज का लेसन मेरा साथ देंगे शाही राज। तो आइए देखें याद आ रहा है। देखें गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स हैं। गाना बी फ्लैट मेजर में है तो अगर आप बार कॉर्ड्स बजा सकें तो बी फ्लैट मेजर, आप चाहें तो यहाँ भी बजा सकते हैं। इसके अलावा ए फ्लैट मेजर और ई फ्लैट मेजर, और अगर आप ओपन कॉर्ड्स में जाना चाहें तो केपो को फर्स्ट फ्लैट पे लगाएं और बी फ्लैट मेजर की जगह ए मेजर में जाएं, बी फ्लैट मेजर की जगह ए मेजर, ए फ्लैट मेजर की जगह जी मेजर और ई फ्लैट मेजर की जगह डी मेजर। आइए स्ट्रमिंग पैटर्न देख लें, मैंने इस तरह से बजाया ट्रैक के साथ। कोई पार्ट डिफिकल्ट है तो हम यूं भी आ सकते हैं।
ओपन कॉर्ड भी वही पैटर्न है, और अगर आपको ये पैटर्न डिफिकल्ट लगे तो आप यूं भी बजा सकते हैं। तो आइए देखें आज के गाने में, जो हमने स्केल यूज किया, जो कॉर्ड यूज किए, उनमें क्या खास बातें हैं। गाना आपका बी फ्लैट मेजर में था, लेकिन आपका ये स्टैंडर्ड मेजर स्केल नहीं था। इसे वेस्टर्न म्यूजिक में मिक्सोलिडियन मोड या मिक्सोलिडियन स्केल भी कहते हैं, और हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको खमाज राग में वही नोट्स मिल जाएंगे जो कि स्केल में है। तो आइए पहले स्केल को थोड़ा डिटेल में देखें और देखें कि इस गाने में जो कॉर्ड यूज किए गए वो वहाँ पर कैसे फिट किए गए। तो आइए देखें गाने के इंट्रो में जो म्यूजिक है वहाँ पर कौन से कॉर्ड यूज किए गए हैं। ये जो कॉर्ड्स अभी आपने देखे इन्हें पावर कॉर्ड्स कहते हैं। इन्हें बजाते वक्त आपको सिर्फ सिक्स्थ, फिफ्थ और फोर्थ स्ट्रिंग्स बजाने हैं। तो मान लीजिए अगर आप ये नोट्स बजाते हो तो आपके नोट्स हैं एफ, सी और एफ। इसे एफ फाइव कॉर्ड भी कहते हैं क्योंकि अगर आप एफ नोट को अपना पहला नोट मान के चले तो सी आपका पांचवा नोट है। यानी हिंदुस्तानी म्यूजिक में अगर आप लेके चले तो आपने सा, पा और सा बजाया। तो गाने की शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले एफ शार्प फाइव बजाया है, और उसके बाद उन्होंने जी फाइव बजाया है, और उसके बाद उन्होंने लगातार यूं बजाया है। आइए गाने के स्केल को देखें। गाना आपका बी फ्लैट मेजर में है लेकिन आपका ये मिक्सोलिडियन मेजर है, तो इसमें आपके नोट्स हैं यानी कि सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, पा, शुद्ध धा, कोमल नी और सा, यानी कि सारे स्वर शुद्ध, सिर्फ आपका नी जो है कोमल है, और इसी कोमल नी के कारण जो है इस गाने में आपका ये कॉर्ड भी आ जाता है। अगर ये आपका स्टैंडर्ड मेजर स्केल होता तो उसमें आपके नोट्स होते, ये जो आपका नोट है ये आपका शुद्ध नी है, और ये शुद्ध नी अगर होता तो इस गाने में आप एफ मेजर भी बजा पाते, लेकिन स्केल में जो आपका शुद्ध नी की जगह कोमल नी है, ये आपका ए फ्लैट नोट है, और इसी ए फ्लैट नोट के कारण जो है आप इस गाने में ए फ्लैट मेजर कॉर्ड बजा पा रहे हैं। तो जैसा अभी आपने देखा गाना मेजर स्केल में था, सारे स्वर शुद्ध थे लेकिन आपका नी जो है कोमल था, और इसलिए जो है इस गाने में कोमल नी पर आधारित जो मेजर कॉर्ड है वो आप यूज कर पाए। इस स्केल पर बनाए गए और भी बहुत से गाने हैं जिन पर मैंने लेसन बनाए हैं, उनके लिंक्स मैं आपको दूंगा, आप देखें। इसके अलावा अगर आपको मिक्सोलिडियन स्केल के बारे में और जानकारी हासिल करनी हो तो मेरे एक लेसन को देखें, स्केल की पहचान मिक्सोलिडियन मोड, उसका लिंक भी आपको दूंगा। आप मेरे वेबसाइट पर जाएं khasbaat.in, वहां पर भी आपको मेरे सारे लेसन सजाए हुए मिल जाएंगे और बहुत से लेसन के लिंक्स मिलेंगे जिनसे आपकी जानकारी और बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह अपने कॉमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगले हफ्ते खास बात में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। कहां हम, कहां तुम,